इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नजर। आज बेलगाम में वीकेंड कर्फ्यू का असर देखा गया। कल अचानक वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान करने से लोगों में इस फैसले को लेकर मालूम न होने की वजह से बाजारों में सुबह तो लोगों की चहल पहल देखी गई, पर दोपहर बाद वीकेंड कर्फ्यू का असर भी देखा गया। पुलिस की जानिब से सख्तियां उतनी ज्यादा बरती नहीं जा रही थी, पर कोरोना गाइडलाइन को लेकर 45 गाड़ियों को सीज किया गया तो बिना मास्क के 208 लोगों पर जुर्माना लगाया गया। तीसरी लहर के मद्देनजर केरला महाराष्ट्र के सरहदी जिलों में वीकेंड कर्फ्यू के साथ नाइट कर्फ्यू पर भी अमल किया जा रहा है। आज बेलगाम जिला में कोरोना मरीजों की तादाद 26 रही तो 25 मरीज डिस्चार्ज हुए, एक की मौत भी दर्ज की गई है। आज रानी चेन्नम्मा यूनिवर्सिटी में इम्तिहानात भी लिए गए तो पर बाद बैरिकेड्स लगाकर रास्तों को बंद किया जा रहा था। बेलगाम धारवाड़ रेल रास्ते का ठेका राइट्स कंपनी को दिया गया है। मरकजी हुकूमत की जानिब से यह प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसकी काफी चर्चा इससे पहले भी हुई है। बेलगाम धारवाड़ के साथ शिमोगा शिकारपुर और टुमकुर रानीबन्नूर के रास्ते का काम राइट्स को दिया गया, इनके राइट्स कंपनी को दिया है। वाजा रहे कि 4027 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। बेलगाम बेंगलोर सफर करने वालों की तादाद बेलगाम में काफी है, लिहाजा सुबह स्पाइस जेट की जानिब से सहूलत मुहैया कराई जा रही है। सुबह फ्लाइट 6:10 पर बेंगलोर से बेलगाम निकलेगी और 7:30 बेलगाम पहुंचेगी और बेलगाम से बेंगलोर की तरफ सुबह 8:00 निकलकर 9:30 बेंगलोर पहुंचेगी। सुबह की फ्लाइट से बेलगाम वालों के लिए राहत की इत्तला ही कह सकते हैं। आज साबिक वजीर आला सिद्धरामैया ने भाजपा की जानिब से नामों को तब्दीली को लेकर गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि तमाम नामों को ही क्यों ना बदल दिया जाए। इंदिरा कैंटीन का नाम बदलकर अन्नपूर्णा नाम रखने को लेकर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए तमाम स्कीमों, स्टेडियम और खेल रत्न का नाम बदलने पर भी ऐतराज जताते हुए दिगर नामों को भी बदलने की बात कही। इंदिरा कैंटीन का नाम बदलकर अन्नपूर्णा करने की मांग महज इंतकामी सियासत का हिस्सा, ऐसा भी कहा। आज उज्जवल नगर में बेलगाम कारपोरेशन की जानिब से नए कचरे की गाड़ी को उज्जवल नगर में मुहैया कराई गई। वाजा रहे कि कारपोरेशन की जानिब से सफाई का ख्याल रखा जा रहा है, तमाम मोहल्लों को अलग अलग गाड़ियां मंजूर भी की जा रही है। लिहाजा आज उज्जवल नगर में कारपोरेशन के इंजीनियर हनुमंत कलादगी, हेल्थ अफसर संजय डुंगोड़ और हेल्थ सुपरवाइजर मोहतरमा रुखसार भी मौजूद रही। इस वक्त उज्जवल नगर के जिम्मेदार और सामाजिक खिदमतगार जनाब फजल खान पठान ने सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए गुलपोशी फरमाई। आज उज्जवल नगर के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे बीमारी के महामारी जो कोरोना के बीमारी के फैलाव में भी जो है हमारे एचओ सर संजय धुमाले सर और हमारे हनुमंत सर और हमारे अक्सर करके हमारे जो रुखसार मैडम, तो ये लोग मेहनत करके हमारे उज्जवल नगर के लिए स्पेशली एक कचरे का गाड़ी जो है कि ना इंतज़ाम करके हमेशा के लिए उज्जवल नगर में रहेगी गाड़ी है, इसके लिए जो है इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात, हमारे खास करके उज्जवल नगर के माँ और बहनों से गुजारिश करता हूँ कि अपने घरों का कचरा गटर में या तो नाले में मत फेंकना, ये गाड़ी घर तक आएंगी आपके और दो राउंड हो जाएंगे, सुबह में वो भी हो जाएंगे और दोपहर में भी एक राउंड हो जाएगा। तो इसके लिए अपने घरों में जो है कचरा रखें, और अगर अपने घरों में कचरा नहीं रखने होता तो उसको डब्बा में जो डालते हैं वो डब्बा बाहर रखें, आ करके जो है कचरा वो गाड़ी में डाल देगा। ये मैं मेरे उज्जवल नगर के माँ बहनों से खास करके गुजारिश करता हूँ। और एक बार मैं कॉरपोरेशन वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो है इन्होंने हमारे को उज्जवल नगर में जो है गाड़ी सेंशन करके और हमेशा के लिए गाड़ी यहाँ पर दी है।
और हमारे रुखसर मैडम का भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो जब भी बेचारे को हमने फोन किया है वो आ करके जो है हमारा मसला हल करे हैं, तो इनके लिए इनका भी मैं खुसूसन शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे जमात वाले सब मिलके जो है कि ने आज पूरे पांचों जमात वालों की तरफ से, पूरे उज्जवल नगर के जमात वालों की तरफ से भी जो है कॉर्पोरेशन वालों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ಇವತ್ತಿನ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಉಜ್ವಲ ನಗರಕ್ಕಾಗಿ ಸಪರೇಟ್ ನಮ್ಮ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಲಾವಿದ ಸರ್ ಇದನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಮಾತಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿದೆವು ಕಸ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೂ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ, ಹಂಗೇನು ಒಟ್ಟೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರದ್ದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಗರ ನಾಯಕರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಗರಪಾಲಿಕೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಇದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಂದಾಗ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎದ್ದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೊಂಟೇನೈತಿ, ಯಾರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗಿಲ್ಲ ನಗರ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡ್ತಿರೋ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದು ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದ ಸಾಹೇಬರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮುಂಜಾನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಟೈಮ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾರೂ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿಬೇಡ್ರಿ, ಬಂದಾಗ ಗಾಡಿಗೆ ಕಸ ಕೊಡ್ರಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೋಗ ರುಜಿಗಳು ಯಾವ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಬರೋರಿಗೆ ಹೋಗೋರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಗರ ಸ್ವಚ್ಛ ಕಾಣ್ತೈತಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಐತಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಂದಿದ್ದೀರಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಂದಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಡೋಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ರಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಉಜ್ವಲ ನಗರ ಎಕ್ದಮ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜಮಾತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ತಿಳಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾರು ಕಸ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿಬೇಡ್ರಿ, ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಗಾಡಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಇವತ್ತು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನೆಕ್ಕಿ ಬರ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ನೀವು ಆ ಭರವಸೆ ಇಡ್ರಿ ನಮ್ಯಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಾಡಿ ಕೆಟ್ಟಾಗ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗೆ ನಾವು ಏನು ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಆಲ್ಟ್ರೇಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರುಕ್ಸಾರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದಿಲ್ ಖಾನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನು ತೊಗೋಬೇಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ನೀವು ಬಂದಿಲ್ಲರಿ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅವರು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಇಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಗೂ ಈ ಉಜ್ವಲ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಮಣಿಯರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಎಚ್ ಓ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬರೀ ಪಾಲಿಕೆಯವರು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಗರ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗಲ್ಲ. ತಾವೆಲ್ಲವೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೂರಕ್ಕೂ ನೂರು ಸಾಧನೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಇವತ್ತಿಂದ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ಬೇರೆ ವಾಹನ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಉಜ್ವಲ ನಗರ ಈ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ನಗರ ಆಗಂಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯತೆ. ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಾಲಿಕೆ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಈ ವಾಹನ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ವಾರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರುಕ್ಸಾರ ತಾವು ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲಾದಿಲ್ ಅಂತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ 24 ತಾಸು ಲಭ್ಯ ಇರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರ ಕೈ ಪಾಲಿಕೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ ಮಾತ್ರ ಇದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರಷ್ಟು ಕಸ ಮುಕ್ತ ಉಜ್ವಲ ನಗರ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ತಮಾಮ್ ಉಜ್ವಲ ನಗರಕ್ಕೆ ಸಭಿ ಲೋಗೋ ಸೇ ಮೇರಿ ಯಹಿ ಗುಜಾರಿಶ್ ಹೈ, ಅಭಿ ಏಕ ನಯೇ ಕಚರೆ ಕಿ ಗಾಡಿ ಕಾ ಔರ್ ಏಕ ಇಂತಜಾಮ್ ಕಿಯೇ ಹುಯೇ ಹಮ್ ಲೋಗ್. ಅಭಿ ಹಮಾರಾ ಸಾಥ್ ದೀಜಿಯೇ, ಸಿರ್ಫ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಕರ್ನೆ ಸೇ ಕುಛ್ ನಹೀ ಹೋತಾ ಹೈ. ಅಗರ್ ಏಕ ದಿನ ಆಪ್ಕೆ ಯಹಾಂ ಗಾಡಿ ನಹೀ ಆಯಿ, ಕುಛ್ ಭಿ ಹುವಾ, ಅಗರ್ ಟಾಯರ್ ಪಂಚರ್ ಹೋ ಗಯಾ, ಅಗರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕಾ ಡ್ರೈವರ್ ಕೆ ಘರ್ ಮೇ ಭಿ ಕುಛ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋ ಗಯಿ, ಡ್ರೈವರ್ ನಹೀ ಆಯಾ, ತೋ ಏಕ ದಿನ ಕಚರಾ ಆಪ್ಕೆ ಘರ್ ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ರಖ್ ಕೆ ಲೇ ಲೋ, ಏಕ ಥೈಲೆ ಮೇ ಡಾಲ್ ಕೆ ರಖ್ ಕೆ ಲೇ ಲೋ, ದೂಸರೆ ದಿನ ಹೀ ಆಕೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಕರ್ಕೆ ಲೇ ಕೆ ಜಾತಾ ಹೈ. ಔರ್ ಮೇರಾ ನಂಬರ್ ಹರ್ ಏಕ ಘರ್ ಮೇ, ಅಭಿ ಮೇ ಘರ್ ಘರ್ ಜಾ ಕೆ ಭಿ ಸಭಿ ಸೇ ಗುಜಾರಿಶ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲಿ ಹೂಂ, ಔರ್ ಸಭಿ ಕೆ ಘರ್ ಪೆ ಮೇರಾ ನಂಬರ್ ಜಾಯೇಗಾ. ಔರ್ ಏಕ ದಿನ ಅಗರ್ ಕಚರೆ ಕಾ ಗಾಡಿ ನಹೀ ಆಯಾ ತೋ ಮುಝೆ ಕಾಲ್ ಕರ್ಕೆ ಬೋಲ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ. ಔರ್ ಸಭಿ ಜಮಾತ್ ವಾಲೋಂ ಕಾ ಮೈ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅದಾ ಕರ್ತಿ ಹೂಂ, ಸಭಿ ಸಾಥ್ ದೇ ರಹೇ ಹೈ, ಸಭಿ ಐಸೆ ಹೀ ಸಾಥ್ ದೀಜಿಯೇ, ಸಭಿ ಉಜ್ವಲ ನಗರ್ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಸಭಿ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕರ್ಕೆ ಲೇ. आज के अहम मौजू की तरफ एक नज़र, कैसे हर बात को मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है सिर्फ भारत में ही देख सकते हैं. आज यकीनन भारत के लिए बड़ा दिन है क्योंकि ओलंपिक में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीत लिया है. यह पूरे मुल्क में जश्न मनाने का मौका है, पर कुछ लोग इसे भी किस तरह मजहबी रंग देने की कोशिश करते देख सकते हैं आप सोशल मीडिया पर, किस तरह के कमेंट्स ट्विटर पर जो ट्रेंड चलाया जाता है. तो एक तरह का नफरत का माहौल इसे लेकर भी भड़काने की कोशिश की जाती है. अगर खासकर वजीर आला भी इसी तरह का बयान देते हैं तो मुल्क को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है. सवाल यह उठता है कि आखिर इस तरह के बयानबाजी से क्या किसी मखसूस समाज को ऐसी खुशियां में शरीक करना नहीं चाहते, या इस मामले को ही अलग रंग देकर खेल में भी सियासत खेलने का पैंतरा मरकज हुकूमत की जानिब से देखा गया. वाजह रहे कि हॉकी टीम की जीत को लेकर वजीर आजम ने कहा कि 5 तारीख बहुत ही शुभ है, क्योंकि 5 तारीख को ही राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था और 5 तारीख को ही कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी. अभी उस बात से खेल में भी कैसे सियासत का दखल देखा जा रहा है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. मतलब राम मंदिर का शिलान्यास को इस तरह जोड़ना, यानी किसी एक समाज को इस जश्न से दूर रखने की साजिश तो नहीं. खैर,
आज तो भारत ने बड़ी कामयाबी दर्ज करते हुए नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। पूरे देश के लिए फख्र की बात है, लेकिन ऐसे वक्त में कुछ ना कुछ बयान देकर माहौल को आलूदगी में तब्दील करने की कोशिशें होती रहती है। अब नया काम प्रधानमंत्री ने किया है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को बदलकर मेजर ध्यानचंद का नाम देने का ख्याल इन्हें आया, और यकीनन सवाल उठाना लाजिम है। जिस हुकूमत को पिछले इतने सालों से जब से ये इख्तदार पजीरु हैं, तब तो इन्हें कभी मेजर ध्यानचंद याद नहीं आए और ना ही इन्हें भारत रत्न देने का ख्याल आया। पर जब खेलों की बात चल रही है तो अब तमाम नामों को बदलने की सोच अगर किसी के जहन में आ सकता है तो वो मोदी ब्रिगेड के ही आ सकता है। यकीनन इसके बाद कांग्रेसियों को बुरा लगना जरूरी है, पर इनका सवाल भी जायज है कि खेल रत्न एजाज यानी पुरस्कार का नाम बदला जा रहा है तो क्रिकेट स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी क्यों रखा जा रहा है, इसे भी बदल देना चाहिए। हमारी मरकजी सरकार का हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की तरफ यूं ही ध्यान नहीं चला गया। बीते 7 सालों में क्या ध्यानचंद को भारत रत्न देने पर इस सरकार ने कभी तवज्जो दी? प्रणब मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और नानाजी देशमुख तक भारत रत्न हो गए, पर मरने के बाद में ध्यानचंद को यह एजाज पर तवज्जो न भाजपा सरकार को आई और न ही कांग्रेस सरकार को। सम्मान देना, नामकरण करना या नाम बदलना अपने देश के राजनीति का यानी कि सियासत का एक घटिया खेल है। यह तासुब और फायदे का खेल है। क्या यह मुद्दा पेगासस जासूसी कांड और किसानों के एहतजाज से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए तो नहीं उछाला जा रहा? और साथ में 2024 में राम मंदिर तामीर की बात क्या यूं ही कही जा रही है? क्योंकि 2024 तक वक्त लगेगा, क्योंकि आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखकर इस तरह का घटिया सियासी खेल मोदी हुकूमत की जानिब से खेला जा रहा है। क्या भाजपा के पास रुपया नहीं है? तमाम चीजें असबाब मौजूद है, हुकूमत में है, इख्तदार पजीर है, 2024 में ही मंदिर तामीर करेंगे, रामलला का दर्शन उसी वक्त होगा। यानी अभी भी राम मंदिर के नाम पर सियासत इख्तदार हासिल करने का मंसूबा इन्होंने बना लिया। किसानों का एहतजाज आज भी जारी है। कल 9 अगस्त को मोदी गद्दी छोड़ो, कारपोरेट भारत छोड़ो और 15 अगस्त को किसान मजदूर आजादी संग्राम दिवस मनाया जाएगा। 200 से भी ज्यादा किसान लीडरों ने इस एहतजाज का ऐलान किया। पिछले 8 महीने से भी ज्यादा अरसे से किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। वही मोदी सरकार किसी तरह का कानून को रद्द करने के मूड में नजर नहीं आ रही, लिहाजा तमाम मामलों को अगर दूसरी तरफ मोड़ना है तो फिर से मजहबी तशद्दुद की तरफ बढ़ते हुए हिंदुत्व का कार्ड खेलना ही रास्ता बन जाता है। लिहाजा वजीर आजम मोदी भी मजहबी रंग देने के काम में पेश नजर आ रहे हैं। ओलंपिक खेलों की कामयाबी को इस तरह कश्मीर और राम मंदिर से जोड़ना आखिर क्या पैगाम देता है? खेल रत्न पुरस्कार को भी इस वक्त राजीव गांधी का नाम निकालकर मेजर ध्यानचंद करना भी गांधी नेहरू से नफरत की इंतहा कह सकते हैं, और यह एक सियासी खेल है जो वो खेल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस दौर के तकरीबन 25 से भी ज्यादा स्कीमों को भी नाम इन्होंने बदल दिया है। राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के नामों को निकाल दिया गया है, पर वही अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम को खुद नरेंद्र मोदी का नाम दिया गया, फिरोज शाह कोटला मैदान को अरुण जेटली स्टेडियम नाम दिया गया। इस पर एतराज करते हुए कांग्रेस ने कहा कि खेल रत्न राजीव गांधी का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद करना ठीक है, पर स्टेडियम के नामों को भी किसी खिलाड़ी के नाम से ही रखा जाए। लिहाजा मोदी और जेटली के नामों को निकालने का एक तरह से मुतालबा किया गया। खैर, इतना जरूर है कि अब जब खेलों में भी नफरत का जहर घोलने की साजिशें परवान चढ़ रही है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो मुल्क के अक्सरियत तबके की है जो इस जहरीले सियासत का खात्मा कर सकते हैं। आज भी राम मंदिर, हिंदू राष्ट्र एनआरसी, कॉमन सिविल कोड, संविधान में तब्दीली जैसे मुल्क की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले मौजूदों पर खुलकर सामने आए, क्योंकि यह तमाम मसले इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए नहीं है। लिहाजा रोटी, कपड़ा और मकान के साथ बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, सेहत पर काम करें, जज्बाती मौजूदों को पथे पुष्ट डालकर मुल्क में भाईचारा, मोहब्बत, अमन को कायम करने की कोशिश करें ताकि देश तरक्की की राह पर गामजन हो सके। तमाम बुनियादी जरूरतों से इंसान की जिंदगी को दुश्वारियां ना हो, तब जाकर भारत एक मजबूत लोकतंत्र, अमन सुकून वाला मुल्क बन सकता है, और यह पूरे देश की आवाम की जिम्मेदारी है। वरना अपने जाती मुफाद के लिए सियासी लीडर यूं ही नफरतों की आग में मुल्क को झुलसते रखेंगे, जिसकी कीमत आने वाली नस्लों को चुकानी पड़ सकती है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।